हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एवरी मॉर्निंग शुरू करते हैं करेंट एनर्जीज, देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी आज के दिन में क्या चल रही है और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सो विल टेक फाइव कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना और फिर हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। फाइव कार्ड्स, फाइव कार्ड्स, द मून, द हर्मिट, द जजमेंट, दो कार्ड और, टू मोर कार्ड्स एंजल्स, जस्टिस, द लवर्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, मजिशियन। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन रेजिस्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, सप्रेस वाली एनर्जी है। देखिए द मून विद द मजिशियन, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी आपको फील हो रही होगी। यहाँ पर ये दो कार्ड्स में कुछ सेम है, आपको ध्यान से अगर दिखे तो ये बंदा यहाँ पर हीलिंग कर रहा है, एक इमेज है जो कि बुद्ध जी की तरह है, यहाँ पर आप देखिए हीलिंग की इमेज है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है एक बंदा हीलिंग कर रहा है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे होंगे। बॉटम की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो डेविल एनर्जी है, एक बंदा या एक बंदी जो कि बहुत ज़्यादा ईगो से डील कर रही थी या कर रहा था, बहुत ज़्यादा नार्सिस्ट था, बहुत ज़्यादा अपने आप के आगे किसी को भी कुछ ना समझना, फीलिंग्स को हर्ट कर देना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके रिलेशनशिप में कि उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया होगा, आप परेशान रहे होगे, आप रो रहे होगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। समटाइम्स आपको ये भी फील होता होगा कि यार ये बंदा या बंदी सही में मेरे से प्यार करती भी है या नहीं, या करता भी है या नहीं, मतलब इस लेवल तक की सिचुएशन आपकी आ गई होगी कि आप कंफ्यूज्ड हो गए होगे कि क्या मैं सही कर रही हूँ, सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं। वो बंदा अब इतना ज़्यादा बदला हुआ आपको नज़र आएगा या नज़र आएगी, उसका एटीट्यूड आपकी तरफ, उसका बिहेवियर आपकी तरफ, उसकी बात करने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका, मतलब हर चीज़ में आपको लगेगा जैसे कि एक मेजर शिफ्ट आया है। अवेकनिंग आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की समय मास लेवल पे चल रही है, स्पेशली मैस्कुलिन की अवेकनिंग, और 12-12 पोर्टल भी आने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो भी पोर्टल्स आते हैं वो असेंशन के लिए आते हैं, आपकी जर्नी में एक कदम आगे आप बढ़ते हैं, आप जितना आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ आपके पार्टनर्स भी असेंड होते हैं। तो यहाँ पर मेजर जजमेंट की एनर्जी है विद जस्टिस, न्याय हो के रहेगा और यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। द मून की एनर्जी क्यों आई है करेंट एनर्जी में, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, द मून का कार्ड क्यों आया है करेंट एनर्जी में। थ्री ऑफ कप्स विद व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा ना आपके पार्टनर रेजिस्ट कर रहे हैं आपके साथ, उनका जो बॉन्ड है, जो वो आपके साथ फील करते हैं, जो भी आपके साथ उनकी मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, साथ ही साथ इनके लाइफ के कुछ मेजर चेंजेस चल रहे हैं, कर्मा बैगेज की एनर्जी है, मेजर चेंजेस। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस थी, जो भी ऑप्शंस थे वो ख़त्म हो रहे हैं। मैंने कहा ना मेजर शिफ्ट चल रहे हैं, मेजर अवेकनिंग चल रही है, दोनों कार्ड साथ में आए हैं विद जस्टिस, इसका मतलब है जो भी होगा वो मेजर होगा, आपके पार्टनर के लाइफ से जो भी कर्मा साइकिल थी वो एंड हो रही है, मेजर अवेकनिंग मैस्कुलिन्स की चल रही है और ये सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं। कैसा जजमेंट, कैसा जजमेंट करंट एनर्जी में, नंबर थ्री थर्ड पार्टी,
लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, डेविल। मैंने कहा ना कि ये डेविल एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सेम कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं गाइस। डेविल एनर्जी से ये बंदा या बंदी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेजर चेंजेस। अगर ये किसी नेगेटिव आदमी या औरत के साथ रह रहा था या बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल करने की इस रिलेशनशिप को कोशिश कर रहा था, तो वो बंदा या वो बंदी के साथ भी इनकी एंडिंग होगी, मेजर एंडिंग्स होंगी यहाँ पे। जो भी नेगेटिविटीज़ थी वो रिमूव हो रही है इस समय मैस्कुलिन्स की लाइफ से, आपके पार्टनर्स की लाइफ से, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। लेट्स क्लेरिफाई जस्टिस, क्यों आया है जस्टिस करंट एनर्जी में। इस जगलिंग से बाहर आएंगे, ये जो जगलिंग थी आपके पार्टनर्स अगर कंफ्यूज थे तो उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली लाइफ, लोग, समाज, सोसाइटी, क्या करूं क्या ना करूं, और एक नई शुरुआत करेंगे। ब्यूटिफुल कार्ड्स, जो आपको एंजल्स बताना चाहते हैं वो कितना क्लियरली बताते हैं, ये चीज़ें आप नोटिस कीजिए। कोई डाउट ही नहीं रहता है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, मजिशियन के लिए काफ़ी कार्ड्स आए हैं। मे बी बहुत सारे लोगों को अलग अलग मैसेजेस देने हैं एंजल्स को, तो मैं सारे ही कार्ड्स लूँगी। पहला है जस्टिस, हैंग्डमैन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक और एस आया है तो मैं दोनों को साथ में रखूँगी, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। ओवर एंड ऑल देखिए, अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड या जिनकी वाइफ डिवोर्स चल रहा है या अप्लाइड है या डिवोर्स की धमकी दी गई है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको एक चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा आपके हस्बैंड या अपने वाइफ से सॉर्ट आउट करने का। हो सकता है वो खुद आपकी तरफ कोई जेस्चर करें या वो आपको मिस करें और उन्हें आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो चीज़ें याद आएँ, और वो जिसके भी भड़कावे में आकर ये गलत डिसीजन ले रहे थे या ले रही थी वो बदल सकते हैं। ये आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी कंफ्यूजन या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में सेपरेशन आया हो, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि बहुत सारे लोगों के रीयूनियंस हो सकते हैं क्योंकि एक नई शुरुआत दिख रही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो कि बहुत टॉक्सिक था या टॉक्सिक थी, या वो आपका कार्मिक था, मतलब आप उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आप खुद नहीं चाहते उसके साथ रीयूनाइट होना, तो वहाँ पर आपका कार्मिक एंड होगा। यहाँ पर अब सेकंड सिचुएशन मजिशियन की आई है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन है किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, अगर ये कमिटमेंट से भाग रही थी या भाग रहे थे, किसी सिचुएशन में अटका हुआ फील कर रहे थे, तो आपके साथ न्याय होगा। देखिए जस्टिस के बाद मजिशियन आया था और मजिशियन को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर्स और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए कहीं भी इनका मन नहीं लग रहा आपके साथ ही रोमांटिक, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन एंड क्लैरिटी देना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या एनर्जी निकल कर आती है। पॉजिटिव कार्ड्स हैं गाइस, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में आपको चेंजेस नज़र आएंगे बहुत जल्द। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है उनके पार्टनर्स की तरफ से, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन डबल फाइव की एनर्जी है, मेजर चेंजेस, मेजर चेंजेस, मेजर फॉर अ न्यू बिगनिंग एंड रीयूनियन। वाओ ब्यूटिफुल कार्ड्स हैं। मैंने कल रात को एक रीडिंग लोड करी थी जो कि थी कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, नो कॉन्टैक्ट में, उसमें भी डबल फाइव की एनर्जी आई थी। मैंने कहा है उस रीडिंग में कि मेजर चेंजेस होंगे आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 घंटे के अंदर, और यहाँ पर भी सेम एनर्जी आज के दिन में निकल कर आई है जो कि है मेजर चेंजेस की विद टावर। कुछ ना कुछ बड़ा टावर मोमेंट आएगा आपके पार्टनर्स के लाइफ में जो कि उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आएगा। 6-6 की एनर्जी, देखिए डबल 6 की एनर्जी है जो कि बैलेंस को दिखा रही है, और यहाँ पे डबल 7 की एनर्जी है एंड डबल 5 की एनर्जी है। ये सारे डबल नंबर्स आए हैं फॉर अ न्यू बिगनिंग, एक प्रॉस्पेरिटी, एक स्टेबिलिटी, एक अबंडेंस लेकर आएंगे आपके लाइफ में। तो यहाँ मेजर
शिफ्ट्स आपके लाइफ में दिखेंगे आपको, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? आपको अपने पार्टनर से इस समय, अगर उनका मूड स्विंग है, वो चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हैं या वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, उन्हें उनका स्पेस दे दीजिए। बिल्कुल भी उनके, जैसे होता है ना, एक मधुमक्खी है उसके छत्ते में हाथ नहीं डालिए, क्योंकि अगर आपने हाथ डाल दिया तो आपको काटेंगी वो। तो अगर इस वक्त आपके पार्टनर के लाइफ में मेजर चेंजेस चल रहे हैं, मेजर शिफ्ट चल रहे हैं, और इस टाइम अगर आपने उन्हें ट्रिगर किया किसी भी बात पे, तुम ऐसे करते हो, तुम वैसे करती हो, या तुम पे शक कर रहे हैं, या वो आप पे शक कर रहे हैं, रिलैक्स रहो, एक स्माइल कर दो, क्योंकि आप अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं कर सकते, ठीक है? वो इस समय मेजर कार्मिक शिफ्ट से गुजर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन में टावर क्यों आया है? सबसे डिस्कनेक्ट रहेंगे ये, इस वक्त डिस्कनेक्ट रहना चाहेंगे, साइलेंस मोड पे जा सकते हैं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, या हो सकता है कि अगर आप कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको समय ना दे पाएँ, या अपने ही काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों, या बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाए हों तो आपको समय ना दे पाएँ, या आपको सही से बात ना करें, टेढ़ा बोल दें, कुछ ट्रिगर कर दें, तो आपको इनसे इस वक्त अगर आप हो सके तो डिस्कनेक्ट रहिए, क्योंकि ये इस वक्त खुद को डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, ये किसी के साथ भी खुश नहीं है। ऐसी एनर्जी है इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की। जैसे एक बच्चा होता है जिसको अगर कोई टॉय ना मिले तो वो बिल्कुल चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगता है जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती, वैसे ही आपके पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं, और जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं होगा तब तक इनकी ये नेगेटिविटी धीरे धीरे करके इन्हीं को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए एंजल्स इनकी ये नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? यूनियन, देखिए ये आपके लिए ही कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हर बार निकल कर आती हैं, एक नई शुरुआत विद यू, अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम के साथ, आपको खोना नहीं चाहते, सक्सेस की एनर्जी, इससे बेहतरीन कार्ड्स आ ही नहीं सकते, विक्ट्री एंड सक्सेस आपके लिए ही कर रहे हैं ये सब चीज़ें। मुझे और कोई कार्ड क्लैरिफाई नहीं करना है बिकॉज इट्स ऑल क्लियर। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए ही एंजल्स ये सारा जो भी चीज़ें हो रहा है, तो आपको सपोर्ट करना है, आपको अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट रखना है, पार्टनर के लिए रोना तड़पना नहीं है, अपने ऊपर माइंड डाइवर्ट कीजिए, अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय कीजिए, पार्टनर बात कर रहा है अच्छे से कीजिए, पार्टनर समय नहीं दे रहा उन्हें उसका स्पेस दीजिए, ठीक है? यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्पेशली 5 वीक्स या 5 डेज़, ठीक है? देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4। बॉटम ऑफ द डेक है डोंट स्टॉप, बिग हैप्पी चेंजेस एंड सक्सेस, रोमांस, रोमांटिक लाइफ में ही सक्सेस मिलने वाली है, यस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान दें, आने वाले कुछ दिनों में आपकी या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, तो ध्यान दें, एंजल्स गाइड कर रहे हैं। अगर होगी तो रिकवरी भी हो जाएगी, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ध्यान दें, यहाँ पर बहुत ही बिग चेंज आएगा, लेकिन पॉजिटिव चेंज आएगा, ये देखिए बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके लाइफ में बेहतरी के लिए आएंगे, आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, डोंट स्टॉप की एनर्जी है, आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपके रोमांटिक लाइफ में मूवमेंट दिख रही है, सक्सेस की एनर्जी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी, पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी है। अगर सेपरेशन चल रहा है या जैसा मैंने कहा अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है सिचुएशन। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, एंड मेरी रीडिंग्स अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको हेल्प मिलती है मेरे रीडिंग से, गाइडेंस मिलती है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए, मैं रीडिंग्स एंड करती रहूं ऐसे ही आगे। और अगर आपको चैनल पसंद है, मेरी गाइडेंस अगर आपको हेल्प करती है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।